हरीन आलो रिकॉर्डिंग भेज देना। ए चक्रीय है फोस्फीरिलीकरण, ठीक है हरी डाल दीजिए। ए चक्रीय है फोस्फीरिलीकरण। हाँ भाई पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर मैं आपको समझाता हूँ। पहले लिख लो इसके बारे में, छोटा सा लिख लो, दो तीन लाइनों के लिख लीजिए। लिखो पहले, ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में, ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में, ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में पी एस सेकंड काम में आता है। कौन सा काम में आता है? पी एस सेकंड, ऐसे लिखना, ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में पी एस सेकंड वे पी एस फर्स्ट दोनों काम में आते हैं। ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में, ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में पी एस सेकंड व पी एस फर्स्ट दोनों काम में आते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, यह फोस्फीरिलीकरण, या ऐसे लिखना, ए चक्रीय फोस्फीरिलीकरण पी एस सेकंड से शुरू होता है। लिखना, अचक्रिय फोस्फीरिलीकरण, लिखना बेटा, अचक्रिय फोस्फीरिलीकरण पी एस सेकंड से शुरू होता है वह, पी एस सेकंड से शुरू होता है वह, इसमें इलेक्ट्रॉन्स पुनः लौटकर नहीं आते हैं, वह इसमें इलेक्ट्रॉन्स पुनः लौटकर नहीं आते हैं, वह इसमें इलेक्ट्रॉन्स पुनः लौटकर नहीं आते हैं, इसीलिए इसे अचक्रीय फोस्फीरिलीकरण कहा जाता है, इसीलिए इसे अचक्रीय फोस्फीरिलीकरण कहा जाता है। लिख लिया भाई सबने, लिख लिया सबने, यस सर। अब समझने की बात। अब हमें क्या करना है? समझना है, ध्यान से समझना, ठीक है? चलो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अचक्रीय के बारे में। देखिए अचक्रीय फोस्फीरिलीकरण और उसके बारे में ध्यान समझना है। देखो शुरुआत कहां से होगी इस चक्र की? यह चक्र शुरू होगा पी एस सेकंड से। कहां से शुरू होगा? पी एस सेकंड से। अगर मैं पी एस सेकंड लिख रहा हूं तो प्रकाश की अधिकतम क्षमता क्या है? अगर मैं पी एस सेकंड लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इसका मतलब प्रकाश की अधिकतम क्षमता क्या लिख रहा हूं? 680। पी 680 लिख देता हूं मैं, ठीक है साहब? ये बात भी मैंने आपकी मान ली, ठीक है? इसके चारों तरफ मैं सहायक वर्णक बना देता हूं, चारों तरफ मैं सहायक वर्णक बना दिया मैंने। अब क्या किया मैंने? सहायक वर्णक बना दिया, और ये रहा था सूरज, सूरज से आया प्रकाश, और प्रकाश जो है वह इलेक्ट्रॉन्स को ले आया। ठीक है, वही सब चीज होगी, पहले वाली सारी बात वही है, बस कुछ थोड़ा सा चेंज आएगा। यहां से वही जो है इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वही दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए। यहां तक की बात समझ में आ रही है सबको? आया ना? बोलिए भाई, की आ रही बात आ रही है। म्यूट करो, एक एक बोला करो, है ना? यहां से वही दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। चलो बताओ, चक्रीय फोस्फीरिलीकरण में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किसने किया था? सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था? सक्रिय फोस्फीरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन था? फेरस सल्फाइड। कौन था? फेरस सल्फाइड। यहाँ पे वो आदमी बदल गया, अब कौन आ गया यहाँ पे? अब आ गया थियोफाइटी। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो कौन करेगा? थियो
थियोफाइटीन, सबको दिख रहा है ना थियोफाइटीन, सबको दिख रहा है क्लियर? क्या बोलो भाई, क्या कह रहे हो? इतना आया क्लियर तो आ रहा है ना, तो क्लियर दिया, क्लियर नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं है? अरे सर कितनी कोशिश कर लो, इतना दिख रहा है, सर दिख रहा है ना सबको? सर आ रहा है, क्लियर आ रहा है, ठीक है सर, दिख रहा है सर, ज्यादा वाइब्रेशन करता है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कौन ग्रहण करेगा? थियोफाइटीन ग्रहण करेगा, ठीक है। चलो वहां पे जो है FeS से इलेक्ट्रॉन कहां गए थे साइक्लिक में? FeS से इलेक्ट्रॉन कहां गए थे बताओ? FD के पास, FD के पास, यहां पे किसके पास जाएंगे? PQ के पास, यहां पे लगे आ रहे हैं के पास गए PQ। PQ का नाम क्या है? प्लास्टोक्विनोन, वही दो इलेक्ट्रॉन जो है थियोफाइटीन और प्लास्टोक्विनोन के पास चले, ठीक है भाई? यहां तक की बात सबके समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना, बोलो बच्चों। यस सर, आ रही सर। यस सर, आगे चलते हैं। तीसरे स्टेप में वहां पे अगर आपको याद है तो दो चंगुमंगु भाई थे, दो भाई थे चंगुमंगु, जो जिनका नाम क्या था? साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, है ना? F है ना, सबको पता है। इस बार वो दोनों मिल गए, एक साथ मिल गए, दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया? साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स, क्या बना लिया? दोनों एक साथ मिल गए और उन्होंने एक जोड़ा बना लिया, पूरा दो हंसों का जोड़ा बढ़ गए, ठीक है। दोनों ने क्या बना लिया? साइटोक्रोम B6 F कॉम्प्लेक्स बना लिया, जोड़ा बना लिया, ठीक है। चलो ये बताओ एटीपी का निर्माण कहां हो रहा था? वहां पे एडीपी से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम दोनों के बीच में, यहां पे क्योंकि दोनों ने क्या किया, एक जोड़ा बना लिया, दोनों जगह नहीं रही भाई, दोनों जो थे पहले अलग अलग थे पर अब दोनों जो है वो जुड़ चुके हैं, दोनों के बीच में जगह नहीं रही। जब जगह नहीं रही तो दोनों जो है क्या करेंगे? एटीपी कहां बनाएंगे? खुद से पहले यहां पे क्या होगा? एडीपी से क्या बन जाएगा? एडीपी से एटीपी बन जाएगा, क्योंकि दोनों के पास जगह नहीं है, दोनों कहां बनाएंगे? खुद के ऊपर बना देंगे। कहा जाते हैं इलेक्ट्रॉन? वहां पे साइक्लिक में साइटोक्रोम B6 और F के बाद कहां जा रहे थे इलेक्ट्रॉन? PS के पास, PS, PS के पास, साइटोक्रोम B6 और F के बाद कहां जा रहे थे दोनों? PC के पास, PC के पास, PC के पास, तो यहां भी क्या है? PC के पास, यहां भी कहां जाएंगे वो दो इलेक्ट्रॉन्स? PC के पास जाएंगे। चलो ये बताओ PC के बाद इलेक्ट्रॉन कहां गए थे? PS फर्स्ट के पास, PS फर्स्ट के पास में, PS फर्स्ट के पास, यहां आपस लौट गए के पास, यहां भी कहां जाएंगे? PS फर्स्ट सेकंड के पास, यहां PS फर्स्ट के पास जाएंगे। जो टर्निंग पॉइंट है वो यही तो है, हम इसे चक्रीय क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि देखो PS फर्स्ट का जो अणु था वो कहां चला गया है? PS से, उस PS सेकंड का जो अणु था वो PS फर्स्ट के पास चला गया है। अरे इसीलिए तो इसे अचक्रीय कह रहे हैं हम। यस सर, इसे अचक्रीय क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि PS सेकंड का जो अणु था वो निकल कर कहां चला गया है? PS फर्स्ट के पास।
इसीलिए क्या कह रहे हैं हम इसे अचक्रीय कह रहे हैं। समझ में आई क्या बात, हम इसे अचक्रीय क्यों कह रहे हैं? हाँ सर, हाँ सर।